नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। पूरे अंग प्रदेश में धूमधाम से मनाई जा रही है देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा, लोगों में दिखा उत्साह। जिले में डेंगू के डंक का कहर जारी, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के बेड हुए फुल। कुलपति प्रोफेसर ए के राय ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ की बैठक, पीजी में 21 सितंबर से होगा ऑनलाइन नामांकन। नौगछिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, राघोपुर गांव में छापेमारी कर गांजे के साथ एक महिला को किया गिरफ्तार। और 3 दिवसीय बालिका हॉकी टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ, राज्य की 11 टीम ले रही है हिस्सा। और अब खबर विस्तार से। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर भागलपुर समेत पूरे अंग प्रदेश में जगह जगह देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। विश्वकर्मा पूजा को लेकर सुबह से ही कल कारखानों, बिजली ऑफिस, पावर ग्रिड, रेलवे स्टेशन परिसर, लोको शेड समेत कई जगहों पर साफ सफाई की गई। इसके बाद प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान तमाम तकनीकी कर्मियों के साथ घरों में भी लोगों ने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की साफ सफाई कर पूजा की। पूजा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। भागलपुर के सिविल सर्जन फीडर परिसर, मौजायदपुर बिजली ऑफिस, नगर निगम जोनल कार्यालय, लोको शेड, पूर्व रेलवे, वरीय अभियंता समेत शहर के विभिन्न जगह पर पूजा समिति के द्वारा पंडाल निर्माण कर पूजा अर्चना की गई। वहीं कहलगांव अनुमंडल के इकचारी, सनोखर, सनहौला सहित विभिन्न जगहों पर विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाया गया। पूजा को लेकर बाजारों में काफी चहल पहल देखी गई। आचार्य नयन तिवारी ने बताया कि भगवान विश्वकर्मा विश्व के सबसे बड़े अभियंता है। आज विश्वकर्मा भगवान की जन्म जयंती है। आज के दिन ही भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा के प्रपौत्र के रूप में इनको हम लोग जानते हैं, और आज जितने भी निर्माण आदि कार्य अभियंताओं के द्वारा हो रहे हैं उनका कहीं न कहीं श्रेय जो है विश्वकर्मा भगवान को जा रहा है। वही स्वर्ग के सर्वप्रथम अभियंता माने जाते हैं। आज भले ही हम लोग डॉक्टर विश्वेश चंद्र वरैया को अभियंता के रूप में जानते हों और उनके जन्म जयंती को मनाते हों, लेकिन विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया जितना भी निर्माण चीज है, चाहे आप इंद्रप्रस्थ को ले लें उदाहरण के तौर पर, स्वर्गपुरी को ले लें, द्वारिकापुरी को ले लें, वो आज भी अद्भुत है और आज भी अभियंताओं के लिए विस्मय का विषय बना हुआ है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना मंगलवार को पूरे विधि विधान के साथ हुई। पूजा को लेकर शहर के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कल कारखानों में काफी उत्साह देखा गया। वहीं भागलपुर के सिविल सर्जन विद्युत शक्ति उपकेंद्र में बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा श्रद्धापूर्वक की। पूजा को लेकर सीएस उपकेंद्र की सजावट आकर्षक रूप से की गई है। वहीं जेईई रविशंकर कुमार ने सभी कर्मियों को विश्वकर्मा पूजा की बधाई देते हुए केंद्र से जुड़े उपभोक्ताओं से लाइन कट होने पर शांति बनाए रखने की अपील की। जबकि लाइन मैन सुनील गुप्ता ने बताया कि प्रति वर्ष सीएस केंद्र में धूमधाम से भगवान शिल्पराज की पूजा की जाती है। मौके पर पिंकू दत्ता, वरुण कुमार, अरुण भट्टाचार्य, अंसारुल हक समेत कई लोग मौजूद थे। सबसे पहले तो विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और जितने हमारे कर्मचारी और पदाधिकारी जो भी हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल की भांति साल भी हम लोग बहुत अच्छे ढंग से जो होता है यहाँ के जो भी यहाँ के हमारे कर्मचारी लोग हैं और जो भी पदाधिकारी लोग हैं उन लोगों के सपोर्ट से हर साल की भांति इस साल भी विश्वकर्मा पूजा मना रहे हैं। और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर सांसद यही कहना चाहेंगे कि जो बिजली कटौती हो रही है कोई जानबूझ के कटौती करता नहीं है, थोड़ा बहुत पेशेंस रखने के लिए सब कुछ सही हो रहा है। हर साल हम लोग हर्षोल्लास के साथ विश्वकर्मा पूजा का पूजन करते हैं, और जितने भी हम लोग इंजीनियर वर्ग के लाइनमैन, मिस्त्री, सब को बिजली विभाग के एक साथ एकजुट होके इस कार्यक्रम को जो है कि करते हैं। भागलपुर में डेंगू का कहर जारी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से रोजाना डेंगू से ग्रसित होकर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। पिछले 10 दिनों से यह बीमारी लोगों को काफी परेशान कर रही है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल समेत निजी क्लिनिक के बेड भी डेंगू के मरीजों से फुल हो चुके हैं। वहीं JLNMCH के वरीय फिजिशियन डॉक्टर DP सिंह ने कहा कि डेंगू के लक्षण दिखाई देते ही मरीजों को डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डेंगू से बचाव के लिए घर के आसपास जल जमाव ना होने दें। साथ ही डॉक्टर DP सिंह ने डेंगू की रोकथाम के लिए मच्छरदानी के प्रयोग करने की बात कही। अभी शहर में डेंगू का प्रकोप काफी
बहुतायत में आ रहा है और जिस भी मरीज को बुखार आता है, माथे में दर्द होता है, शरीर में काफ़ी अधिक दर्द होता है, जो कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं इसको, तो ऐसा जब भी किसी मरीज को हो तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक जो दवा है वह पैरासीटामोल वह प्रयोग में करें 500-650 मिलीग्राम टैबलेट्स का। इसके अलावा दर्द की कोई दवाई प्रयोग में ना लाएं चूँकि यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर जो है बुखार सचमुच में डेंगू का ही है, डॉक्टर से संपर्क करें, उसका जो है जांच करवा लें। और अगर आपको इसमें कहीं नाक से मुंह से पेशाब पैखाना से ब्लीडिंग होने लगे, ब्लड निकलने लगे, या सीवियर पेट में दर्द हो जाए, या आपको बार बार उल्टी होने लगे, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, उसका उचित उपचार करें, यह खतरनाक लक्षण हो सकते हैं। और आप जो है बचने के लिए जो लोग इससे पीड़ित नहीं हैं अभी, उसको निश्चित रूप से जो है, चूंकि यह मॉस्किटो मच्छर के काटने से होता है, अब बिना मशहरी का न सोएं। पदभार ग्रहण करते ही तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय काफी एक्शन में दिख रहे। सोमवार को प्रोफेसर AK राय ने पदभार संभालते ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए थे। वहीं मंगलवार को कुलपति ने सभी पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान कुलपति प्रोफेसर AK राय ने सभी अधिकारियों से उनके कार्यों की अद्यतन जानकारी ली और कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में कुलपति ने स्पष्ट कर दिया कि विश्वविद्यालय में सभी कार्य लोकतांत्रिक तरीके से नियम परिनियम के अनुरूप संपादित होंगे और कार्य में लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने छात्र हित में कार्य करने की बात कही, साथ ही PG सत्र को नियमित करने पर जोर दिया। बैठक के दौरान NAC मूल्यांकन, शोध कार्य, खेल और सांस्कृतिक गतिविधि पर भी चर्चा हुई। कुलपति ने अधिकारियों को 3 दिनों के भीतर फाइलों के निष्पादन करने का निर्देश दिया। कुलपति ने कहा कि UMIS के तहत 21 सितंबर से PG में ऑनलाइन नामांकन होगा, जबकि रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कहा कि समन्वय स्थापित कर सभी कार्य 100% पूरा किया जाएगा। बैठक में प्रति कुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद, DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो, वित्त परामर्शी PK झा, प्रॉक्टर प्रोफेसर विलक्षण रविदास, CCDC डॉक्टर KM सिंह, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, DO डॉक्टर अभियानंद सहाय, डॉक्टर राजेश तिवारी, डॉक्टर इकबाल अहमद समेत कई अधिकारी मौजूद थे। सभी लोगों से डिस्कशन के बाद अंत में हमने उन्हें धन्यवाद ज्ञापन किया और उनसे यही अनुरोध हमने किया कि आप जिस जगह जहाँ पर भी काम कर रहे हैं विश्वास के साथ काम करें और एक कमिटमेंट के साथ आप काम करें कि आप जिस चेयर पर हैं उस चेयर का जो जवाबदेही बनती है उस जवाबदेही को खुद रूप में आप निभाएं। और जहाँ तक कोऑर्डिनेशन का सवाल है, चूँकि पूरा विश्वविद्यालय एक परिवार है और उस परिवार में सभी तरह के लोग होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं और वाइस चांसलर भी होते हैं और बीच में कनेक्टिंग लिंक में रजिस्ट्रार भी होते हैं, तो सभी का साथ जब तक नहीं होगा एक ह्यूमन श्रृंखला बन ही नहीं सकता है और किसी विश्वविद्यालय में मजबूती आ ही नहीं सकती है। इसलिए यह जरूरी है सभी हम लोग आपस में मिलजुल कर एक कोऑर्डिनेशन के साथ प्रजातांत्रिक रूप से विश्वविद्यालय के विकास हेतु हम लोग सभी कार्य करें। हाँ, आज सर ने पूरी समीक्षा की। सबसे पहले सर ने एग्जामिनेशन के शेड्यूल जो है जैसा सर ने बताया, और यहाँ UG तो ट्रैक पे है, PG का है, सर ने मार्गदर्शन भी दिया है PG के लिए, क्योंकि PG जो है इंटरनल है, राइट फ्रॉम द पढ़ाई से लेके रिजल्ट तक सारे डिपार्टमेंट में होता है, तो कोई रीज़न नहीं है कि लेट होना हो। सर ने मार्गदर्शन दिया है और जितने भी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं उनको उस मुताबिक काम करना है और रिजल्ट शेड्यूल जो है उसका कैरिकुलम को ट्रैक पे लाना है। परवत्ता पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राघोपुर गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने महिला कारोबारी को गिरफ्तार किया है। परवत्ता थाना अध्यक्ष राघव कुमार सिंह ने बताया कि राघोपुर निवासी सुबोध मंडल और उसकी पत्नी रूबी देवी अपने घर से गांजा का कारोबार करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मंगलवार को पुलिस ने छापेमारी कर घर के अंदर रखे ड्राम से 6 पैकेट गांजा को बरामद किया। पुलिस ने अवैध कारोबार के आरोप में रूवी देवी को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि सुबोध मंडल फरार हो गया। थाना अध्यक्ष ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज सुबह करीब 10 बजे सूचना मिली कि सुबोध मंडल राघोपुर में अपने घर में गांजा रखकर अपनी पत्नी के साथ मिली भगत वो गांजा का कारोबार करते हैं। सूचना के सत्यापन हेतु थाना से सदर बल प्रस्थान किए, विधिवत उसके घर में छापामारी किए।
तो उनकी पत्नी घर में उपस्थित पाई गई और एक सरसों भरा ड्राम से एक बोरा में रखा पाया गया। उसको खोलने पर 6 बंडल, जिसको नपाने पर सभी बंडल में 1-1 किलो गांजा था। और इसकी सूचना बढ़िया पदाधिकारी को देते हुए उनके समक्ष उनके दिशा निर्देश में विधिवत सब सामान को जब्त किया गया और अभियुक्त रूबी कुमारी को भी गिरफ्तार किया गया। सुबोध मंडल घर से फिरार रहे। कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को जिला स्कूल मैदान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन उप विकास आयुक्त सुनील कुमार एवं जिला खेल पदाधिकारी पीके यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। हॉकी टूर्नामेंट में अंडर 14 और अंडर 17 के 11 जिलों की टीम ने हिस्सा लिया। मैच के पहले दिन वर्षा के कारण खेल को रद्द कर दिया गया, जबकि दूसरे दिन बक्सर और कैमूर के बीच मैच खेला गया। डीसी सुनील कुमार ने कहा कि खेल के प्रति युवा जागरूक हो रहे हैं और खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन भी कार्य कर रही है। इस दौरान खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखा गया। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर, स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584, 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम आयोजित कर यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे। भाजपा नेता सह जिला सदस्यता प्रभारी रंजीत यादव ने मंगलवार को स्कूली बच्चों के बीच पहुंचकर युवाओं के प्रेरणा स्रोत लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन केक काटकर मनाया। रंजीत यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री माँ भारती के सच्चे सपूत और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। इस मौके पर शशिकांत चौधरी, नकुल यादव, अमित प्रदीप यादव, पूजा कुमारी सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। ग्राम कचहरी के संचालन को लेकर मंगलवार को जिला परिषद सभागार में नारायणपुर प्रखंड के जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान सरपंच, उप सरपंच, ग्राम कचहरी सचिव एवं न्याय मित्रों को कानून के जानकारों ने पंचायत में होने वाले केसों की सुनवाई की प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले केसों का निपटारा करेंगे। जिले के 16 प्रखंडों के जनप्रतिनिधियों को 2-2 दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एवं पंचायती राजपीठ की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भागलपुर के चुनिहारी टोला स्थित आदर्श बालिका उच्च विद्यालय एवं शारदा झुंझुनवाला कॉलेज परिसर में मंगलवार को जस्टिस फॉर विक्टिम फ्रंट की ओर से छात्रों को जागरूक करने के लिए अपीलीय बोर्ड लगाया गया, जिसमें महिला एवं बच्चियों के उत्पीड़न और मनचलों द्वारा छेड़छाड़ की घटना को देखते हुए फ्रंट ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसकी मदद से महिला या छात्राएं अपने साथ होने वाली घटना की जानकारी देकर आरोपियों को गिरफ्तार करा सकती है। वरीय अधिवक्ता अभयकांत झा ने कहा कि भागलपुर को घृणित और कलंकित घटनाओं से मुक्त कराकर इंसाफ दिलाना ही फ्रंट का मुख्य उद्देश्य है। फ्रंट के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि भागलपुर को अपराध मुक्त शहर बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभी हाल के दिनों में काजल पर जो अटैक हुआ था एसिड अटैक, उसी के उपरांत सभी बुद्धिजीवी एवं युवा लोग बैठे और इसका लॉन्ग टर्म समाधान
जैसे कि कई बार होता है कि कोई दुर्घटना होती है, कोई इस तरह की छेड़खानी या बदमाशी होता है और लोग थोड़ा दिन आक्रोश जताते हैं और फिर भूल जाते हैं। जस्टिस फॉर विक्टिम उसी समय बना और इसका उद्देश्य है लंबे समय तक किसी को राहत देना। कहीं कोई दुर्घटना हुई, वो पुलिस के पास गया भी तो पता चलता है कि उसको धमकियां मिलने, वो चुप हो गया डर से। ऐसे स्थिति में हम लोग उसका मनोबल बढ़ाएंगे और हम लोग ऐसे धमकियों से उसको निजात दिलाएंगे। हम लोग जहां तक हो सके यहां के पुलिस अफसर, यहां के DIG, IG, यहां तक कि DGP तक हम लोग जाएंगे और उसको हम लोग राहत दिलाएंगे कि वो डरे नहीं। मुख्य सचिव के निर्देश पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जांच करने मंगलवार को डिप्टी कलेक्टर संतोष कुमार कहलगांव प्रखंड के भोलसर पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की बारीकी से जांच की। इस दौरान सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल, गली नाली योजना, PDS दुकान, आंगनबाड़ी केंद्र, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन योजना सहित कई योजनाओं की जाँच की। डिप्टी कलेक्टर भोलसर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे जो बंद पाया। इसके बाद मध्य विद्यालय का किया जहां स्कूल में बच्चे नहीं थे। अभी पंचायत में जांच चल रही है, डिफरेंट स्कीम्स जो पंचायत में होते हैं, नल जल, गली गली, मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना, स्कूलों का, मिड डे मील का, आंगनबाड़ी केंद्र, सब सारे जो स्कीम्स होता है वो सबकी जांच चल रही है सरकार के निर्देश पे। बांका बौसी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध बालू का उठाव कर रहे 4 ट्रकों को जब्त कर लिया है। बौसी इंस्पेक्टर गोपाल कुमार सिंह के नेतृत्व में सोमवार की रात जिले के विभिन्न बालू घाटों पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान डंप किए गए बालू को ट्रकों पर लोड किया जा रहा था, उसी समय पुलिस ने मौके से 4 ट्रक को बरामद किया है। थाना अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने बताया कि कई दिनों से माफियाओं के द्वारा सरकारी जमीन से बालू उठाव की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि बालू डंप करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। पूरे अंग प्रदेश में धूमधाम से मनाई जा रही है देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा, लोगों में दिखा उत्साह। जिले में डेंगू के डंक का कहर जारी, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के बेड हुए फुल। कुलपति प्रोफेसर AK राय ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ की बैठक, PG में 21 सितंबर से होगा ऑनलाइन नामांकन। नौगछिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, राघोपुर गांव में छापेमारी कर गांजे के साथ एक महिला को किया गिरफ्तार। और 3 दिवसीय बालिका हॉकी टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ, राज्य की 11 टीम ले रही है हिस्सा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।